हेलो गाइस, तो मैं आकाश मंडा और मेरे साथ है प्रांति चौहान, इनको आप जानते हो। तो आज हमारे यहाँ पे ना एक जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो रहा है, तो उसको हम दिखाएंगे। एक मंदिर है हमारे यहाँ पे, बहुत पुराना मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर, शिव मंदिर। और तो सालों साल यहाँ पर हर बार प्रोग्राम होता है जन्माष्टमी। और उसकी एक खास चीज और है, जो मंदिर है पूरा वो एक पत्थर से ही बना हुआ है। हमें बहुत गर्व है, हम जरोली धूम सिंह के निवासी हैं और हमें ये जागरण देखने को मिलता है और हम काफी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आप सभी के पास आ दूं, अभी मतलब जागरण भी शुरू भी नहीं हुआ है और हमारे आकाश भाई बोल रहे हैं कि मैं तो प्रसाद लेकर जाऊंगा। अरे भाई, पहले भगवान का तो मतलब मेरे जागरण को सुनो। तो इतनी जल्दी आकाश भाई को इतनी जल्दी हो रही है कि मैं प्रसाद लेकर जाऊंगा, तो मतलब उस टाइम में भी स्टार्ट होने वाला है, तो हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। नहीं यार, हमारे प्रांशु भाई कह रहे हैं मैं तो जो बड़ा वाला गुब्बारा लगा हुआ है उसे लेके भागूंगा। अरे नहीं यार, ऐसा क्यों ना। नहीं यार, बोल तो नहीं यार, तुम अभी झूठ बोल रहे हो। और मतलब अभी बोल रहे हैं तो कल को भी यहाँ पर मतलब जागरण होने के बाद हर साल की तरह मतलब भंडारा होता है, तो बोलते हैं कि मैं तो मतलब टिफिन लेके आऊँ। अरे टिफिन की क्या बात है, प्रसाद तो थोड़ा होता है खाने के लिए। तो चलो चलो ठीक है, तो फिर आगे मिलते हैं वीडियो। मंदिर और इसकी खास बात यह है, ये पूरा मंदिर एक पत्थर से बना हुआ है। और मैं मतलब एक बात ना, जुड़ा मतलब ज्वाइंट नहीं है कुछ भी, पूरा एक पत्थर से कट के बना हुआ है। और मैं आप सभी से बात करूं, जब से हमने जरौली भीम सिंह में जन्म लिया है तब से हमने ये मंदिर देखा है। तो हमारे मतलब बुजुर्ग बताते हैं कि ये मंदिर काफी पुराना है और मतलब पहले इसकी मतलब मूर्ति जमीन से निकली थी। और मेरे लिए एक चीज और दिखाने दे, वो उसकी ये मतलब दीवार है ना बहुत ही पतली पतली है। देखो ये पूरा ना एक पत्थर से बना हुआ, कोई मतलब उसे नीट वगैरह से बना हुआ। ये बताते हैं मतलब ये तो हमारे प्रांशु जी बता रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं ये मतलब ये तो आकाश भाई ने भी आपको दीवार दिखाई थी। तो बताते हैं करीब 80 साल पहले कुछ कोई मजदूर हुआ मतलब उस्ताद हुए ना, उस्ताद नहीं मतलब भी मतलब मेहनत से बनाया गया था। पहले यहाँ पे कोई नहीं रहता और था, काफी मान्यता मतलब लोग मानते हैं कि मतलब ज्यादा लोगों की मतलब श्रद्धाएं ऐसी पूरी होती हैं, तो लोग मतलब मानते हैं इस मंदिर को। जो भी यहाँ पे आके मतलब भोले बाबा के बहुत बड़े फैन है यहाँ के, जब भी आते हैं मतलब चक्कर लगाते हैं। आप भी आइए, हमारे भक्त ही बच्चे। आज एक बात बता दूं आप सभी को, हम और आकाश जब अपना ब्लॉग शूट कर रहे थे इकट्ठा।
जागरण सुनने जाते हैं तो अलग ही जोश होता है।